नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग थिंग्स अराउंड। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सोमनाथ की यात्रा हमारी कैसी रही। सोमनाथ में हम 2 दिन रहे तो वहाँ हम कैसे गए, वहाँ पे किन किन मंदिरों के दर्शन किए और क्या क्या हुआ, वो सारा विवरण मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो आप बेझिझक मुझसे पूछिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। तो दोस्तों 8 मार्च 2022 को यानी हमारी यात्रा का 4th दिन, उस दिन हम द्वारिका से सोमनाथ के लिए निकले और हमने एक कैब बुक कर लिया था जिसका किराया था 5200 रुपये। तो द्वारिका से जब हम सोमनाथ जा रहे थे तो रास्ते में एक विसावाड़ा करके जगह पड़ा जहाँ पर एक मूल द्वारिका मंदिर था जो कि बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर था। तो उस मंदिर के हमने दर्शन किए। उसके बाद हम पोरबंदर पहुंचे। पोरबंदर जो कि सुदामा जी की जन्मस्थली है, सुदामा जी जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे उनकी जन्मस्थली है। वहां पर जहां उनका जन्म हुआ था, सुदामा जी का जहां घर था, वहां पर मंदिर बना दिया गया है और वहां सुदामा जी, उनकी पत्नी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापित किया गया है। दोस्तों ये मंदिर बहुत ही सुंदर था। उसके बाद इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हम माधोपुर बीच के रास्ते से आ रहे थे तो वहां पे हम सोच रहे थे कि हमें माधोपुर मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे, लेकिन उस मंदिर उस समय बंद था इसलिए हम उसका दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, वहां पर भगवान शंकर का एक बहुत ही सुंदर समुद्र के किनारे शिवलिंग के हमें दर्शन हुए। उसके बाद हम माधोपुर में ही लंच किए अपना और फिर हम आगे बढ़े और हम लगभग 4 बजे, शाम के 4 बजे सोमनाथ में पहुंच गए। सोमनाथ में हमने श्री सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा एक रूम बुक किया था, महेश्वरी समाज अतिथि गृह करके था, वो बहुत ही अच्छा था। उसका विवरण भी मैं आपको दूंगी अगर आप चाहें तो, वहाँ कैसे बुकिंग करनी है, क्या होती है, वो सारा विवरण मैं दूंगी। अगर इस वीडियो में उसका बताने लगूंगी तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी सोमनाथ में हमने क्या क्या किया मैं सिर्फ वही बताती हूँ। तो हम महेश्वरी समाज अतिथि गृह में ठहरे हुए थे जो कि सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा बनवाया गया था, तो वहाँ पर हम ठहरे हुए थे। वहाँ पहुँच के हमने नहा धो के जल्दी से तैयार हुए और निकल पड़े मंदिरों के दर्शन करने के लिए। जब हम वहाँ से निकले तो वहाँ हमें मतलब तुरंत निकलते ही बाहर ऑटो वाला मिल गया, उसने हमें पूरे मंदिरों के दर्शन पूरे मंदिरों के दर्शन करा दिए। तो सबसे पहले हमने बाणगंगा देखा। बाणगंगा दोस्तों एक मंदिर जैसा नहीं है, वो एक समुद्र के किनारे भगवान शंकर की 3 शिवलिंग हैं। आप उसका फोटो देख रहे होंगे, 3 शिवलिंग हैं, 2 छोटे छोटे और 1 बड़े शिवलिंग है, 1 बड़ा शिवलिंग है, तो वही है बाणगंगा। बाणगंगा वो स्थान है जहाँ से जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को तीर मारा था। भालका तीर्थ में भगवान को तीर जाके लगा था और वहीं उसी स्थान पर उन्होंने अपने प्राण त्याग किए थे। जरा नाम के शिकारी ने जिस स्थान से तीर मारा था उस स्थान को बाणगंगा कहते हैं। तो उसके आगे जब आप थोड़ा और जाएंगे, थोड़े से ही दूरी पे फिर मिलेगा भीड़ भंजन महादेव। भीड़ भंजन महादेव भी समुद्र में ही 2 बड़े बड़े शिवलिंग हैं और बहुत ही सुंदर वहां के दर्शन है। तो भीड़ भंजन महादेव जी के हमने दर्शन किए और फिर उसके बाद हम पहुंचे भालका तीर्थ। दोस्तों भालका तीर्थ में पीपल का वृक्ष है और भगवान श्री कृष्ण उसी अवस्था में, उनकी प्रतिमा विराजमान है जिस अवस्था में उन्हें तीर लगा था। प्रतिदिन प्रतिपल वहां पर उनकी सेवा होती रहती है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत मूर्ति है वो जो हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद हम लोग हिरण कपिला सरस्वती त्रिवेणी महासंगम देखने गए जहाँ पर 3 नदियों का संगम है। और दोस्तों शाम के वक्त वो दृश्य बहुत ही सुंदर था, बहुत ही मनोरम था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। चारों तरफ चिड़ियाँ थी, पानी का आवाज और बहुत ही सुंदर था, बहुत सारे लोग भी थे वहाँ पे, तो वो दृश्य बहुत ही अच्छा था। उसके बाद त्रिवेणी संगम के दर्शन करके उसके बाद हम आगे बढ़े, थोड़ा शाम भी ज़्यादा हो गया था, तो फिर हम पहुँचे गोलोक धाम तीर्थ। गोलोक धाम तीर्थ में दोस्तों एक बहुत बड़ा स्थान पे छोटे छोटे कई सारे मंदिर और बहुत सुंदर मंदिर बने हैं, जिसमें से श्री गीता मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री कृष्ण चरण पादुका, श्री बलदेव जी की गुफा, श्री गोलोक घाट, श्री महाप्रभु जी की बैठक, श्री भीमानाथ मंदिर आदि, ये सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पर शिवलिंग भी है, बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक्चुअली हम थोड़ा रात हो गया था जब वहाँ पहुँचे थे, तो अगर आप दोपहर में या सुबह के वक्त वहां जाएंगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत दृश्य है वहां का, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था। उसके बाद हम पहुंचे श्री राम मंदिर में। दोस्तों श्री राम मंदिर वही स्थान है जो परशुराम जी की तपोभूमि भी जिसे कहते हैं, तो वहां की नक्काशी और सुंदरता देखते ही बनती थी। वहां की नक्काशी और सुंदरता बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर थी और फ्रंट में भगवान श्री कृष्ण की एक प्रतिमा थी जो कि सभी के आकर्षण का केंद्र थी, बहुत ही सुंदर। सभी लोग जाके उसके साथ सेल्फी ले रहे थे, मैंने भी 1-2 सेल्फी ली है, गौरी की भी फोटो खींची है, आप यहाँ देख रहे होंगे।
तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और मंदिर भी बहुत ही शांत तो बहुत सुंदर था, और वहाँ का जो राम दरबार था वो मुझे विशेषकर बहुत पसंद आया था। उसके बाद ये सब दर्शन करने के बाद हम लोग नए सोमनाथ मंदिर गए। दोस्तों दो सोमनाथ में दो मंदिर है, एक नया सोमनाथ मंदिर और एक पुराना सोमनाथ मंदिर। पुराना सोमनाथ मंदिर वो वाला मंदिर है जिसे अहिल्याबाई जी ने बनवाया था, और नया सोम अभी हम लोग जहाँ गए वो था नया सोमनाथ मंदिर। वहाँ पर बाहर में ही आपको मोबाइल पर्स सब कुछ जमा कर देना होता है, सिर्फ पैसे आप ले जा सकते हैं अंदर, बाकी सारी चीज़ें आपको बाहर जमा कर देनी होती है। तो वहाँ के अच्छे से दर्शन करने के बाद हम वापस अपने आश्रम आ गए। उसके बाद दूसरा दिन, अगला दिन हमने क्या क्या किया अब मैं वो आपको बताती हूँ। दूसरा और लास्ट दिन हम सुबह 9 मार्च के दिन हम सुबह 9 बजे सोकर उठे। उसके बाद हम निकल पड़े पुराने सोमनाथ मंदिर को देखने के लिए। दोस्तों पुराना सोमनाथ मंदिर वही मंदिर है जिसे अहिल्याबाई जी ने बनवाया था, तो वहाँ पर हम गए, वहाँ के दर्शन प्राप्त किए। उसके बाद हम गए शारदा मठ में। शारदा मठ वो स्थान है जहाँ शंकराचार्य जी की गुफा है। दोस्तों गुफा के अंदर जाते बहुत ही पतला सकरा स्थान है गुफा का, और उसके अंदर जाया जाता है। वहीं पर शंकराचार्य जी ने कई वर्षों तक तपस्या की थी, तो वो शंकराचार्य जी की गुफा है शारदा मठ में। वो स्थान बहुत अच्छा है, अगर आप सोमनाथ जाएं तो उस स्थान को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद हम शक्तिपीठ माँ के दर्शन करने के लिए गए, और उसके बाद जब हम अपने रूम पहुंचे तो हमने थोड़ा विश्राम किया। उसके बाद शाम के 7 बजे हम निकले नए सोमनाथ मंदिर में जाने के लिए। कल भी हम गए थे, आज भी गए। आज इसलिए गए क्योंकि हमें लाइट एंड साउंड शो देखना था। जब पिछले दिन जब हम गए थे तो उस दिन बहुत ही देर हो गया था, लगभग 9 बज गया था। 8:30 से स्टार्ट होता था लाइट एंड साउंड शो, और जब हम पहुंचे थे तो 9 बज गया था। तो सिर्फ हमें मेन मंदिर के दर्शन प्राप्त हुए थे और हम लाइट एंड साउंड शो स्किप कर गए थे, छूट गए थे। तो इसलिए अगले दिन हम लाइट एंड साउंड शो देखने गए। दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। आप भी जाइएगा तो लाइट एंड साउंड शो जरूर देखिएगा। और ये सब देखने के बाद हमने थोड़ा खाया पिया और बाहर निकले और उसके बाद अपने रूम पे आ गए, आराम किया। तो दोस्तों इस प्रकार था मेरा सोमनाथ का 2 दिन, और बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था, जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया है। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर हो सके तो सोमनाथ की यात्रा भी कीजिएगा। जय सोमनाथ।